नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस डिस्कशन में हम संपूर्ण भारत में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं पर चर्चा करेंगे। सुविधा की दृष्टि से इसको दो भागों, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में हम पढ़ेंगे। आइए पहले उत्तर भारत की पर्वतीय श्रृंखलाओं के बारे में जान लेते हैं। उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको तीन भागों, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियों में विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में अवस्थित होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तीन श्रेणियां जिन्हें क्रमशः काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर कहते हैं पाई जाती हैं। हमारा जो हिमालय है इसका सर्वाधिक विस्तार है तथा इसे इसका विस्तार नगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत तक है, नमचा बरवा पर्वत तक। विश्व में पाई जाने वाली अधिकांश ऊंची चोटियां जो है हिमालय के अंदर ही अवस्थित है। हिमालय को भी फर्दर तीन भागों में बांटा जाता है, जिसका सबसे उत्तरी भाग महान हिमालय कहलाता है। इसके मध्यम भाग को लघु हिमालय कहते हैं तथा सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक हिमालय कहते हैं। आइए हिमालय के बारे में कुछ तथ्यों को हम जान लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि हिमालय जो श्रृंखला की उत्पत्ति हुई है उसका जो सिद्धांत है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा दिया गया है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहता है कि दो महाद्वीपों की आपस में टक्कर होने के कारण उनके बीच में अवस्थित जो टेथिस सागर था, उसमें वलन पड़ने के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए इसे वलित पर्वत श्रृंखला अर्थात फोल्डेड माउंटेन रेंज भी कहते हैं। दूसरा तथ्य आप याद रखिएगा कि पश्चिम में हिमालय की वृद्धि जो है वो ज़्यादा होती है, पूर्व में इसकी वृद्धि कम होती है। साथ ही पूर्व में हिमालय की चौड़ाई कम होने के कारण यहाँ पर दबाव के कारण ऊँचाई इसकी अधिक पाई जाती है। तीसरा है कि जो पूर्वी हिमालय है इसकी विविधता पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक होती है। तीसरा फैक्ट है कि हिमालय की जो सभी श्रेणियां हैं इनका उत्थान टर्शियरी काल में हुआ है। अगर हम इलाबोरेट करके देखें तो जो वृद्ध हिमालय है जिसे हिमानी भी कहते हैं, इसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ है, देखिएगा। साथ ही जो वृद्ध हिमालय है इसकी जो क्रोड है वो ग्रेनाइट से निर्मित है। दूसरा आप देखिए जो लघु हिमालय है जिसे हिमाचल या मध्य हिमालय भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति मध्य मायोसीन युग में हुई है। इस लघु हिमालय के अंतर्गत हमारी जो पीर पंजाल श्रृंखला है वह सबसे अधिक लंबी है। कश्मीर घाटी, हिमाचल की कांगड़ा व कुल्लू घाटी भी लघु हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है। शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है और जितनी भी दून घाटियाँ हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सभी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। शिवालिक हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित असाध के जमाव से हुआ है। ठीक है, जो शिवालिक हिमालय है वो अपेक्षाकृत हमारी एक नवीन रेंज है। उसके बाद देखिए जो महान हिमालय है उसमें की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है तथा इस यहाँ पर जो पाए जाने वाली चट्टानें वो मुख्यतः ग्रेनाइट, निस्ट और सिस्ट प्रकार की हैं। लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई 1800 मीटर की है तथा यहाँ पे जो पाई जाने वाली श्रेणियाँ हैं उनको धौलाधर, नागटिब्बा, पीर पंजाल तथा महाभारत श्रेणियों में हम विभाजित करते हैं। तीसरा जो शिवालिक है जिसे उप हिमालय, महाहिमालय भी कहते हैं, इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर की है। जैसे मैंने आपको अभी बताया यह नवीन श्रेणी है। साथ ही आप याद रखेंगे कि जो उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान हैं उनको दून व द्वार घाटियों से जो अलग करता है वह शिवालिक हिमालय करता है। देखिए उत्तर भारत का जो नदी मैदान है उनको दून व द्वार घाटियों से अलग करता है वो शिवालिक हिमालय है। आगे हम देख लेते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हुआ है। हिमालय को प्रादेशिक विभाजन के आधार पर चार भागों में बांटा गया है, जहां पर सिंधु पश्चिमी सीमा बनाए और सतलुज पूर्वी सीमा, उस बीच के भाग को पंजाबी हिमालय कहते हैं। सतलुज व काली का जो मध्य है उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली नदी व तिस्ता नदी के बीच वाले भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं। तिस्ता व ब्रह्मपुत्र के बीच के भाग को असम हिमालय कहते हैं। ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे, एग्जाम में ये काम आते हैं। आइए अब हम मैप में जो है अपनी पर्वत श्रृंखलाओं को एक बार लोकेट कर लेते हैं। ये जो सबसे ऊपर है ये हमारी है काराकोरम श्रृंखला, उसके बाद है लद्दाख तथा तीसरे स्थान पर है जास्कर। ये तीनों ही जो है ट्रांस हिमालय के अंदर जो है आती हैं तथा तीनों ही जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं।
इस तरफ आप देखेंगे यह जो पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल है, तथा यह जो पर्वत श्रृंखला है यह धौलाधार पर्वत श्रृंखला है। ये दोनों ही पर्वत श्रृंखलाएँ जो हैं लघु हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तथा दोनों पर्वत श्रृंखलाएँ जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं। उसके बाद उत्तराखंड में आप देखेंगे मसूरी और कुमाऊँ, ये दो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। उसके बाद आप जो है उत्तर भारत में आ जाइए, यहाँ देखिए उत्तर भारत की जो पहाड़ियाँ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है इस मानसून को एक दिशा देकर उत्तर भारत के मैदानों तक पहुँचाने का काम हमारी उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ करती हैं। आइए ना देख लेते हैं सिक्किम में अवस्थित इसको जो है दार्जिलिंग पर्वत श्रृंखला कहते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर छूट गया है, सिक्किम में अवस्थित दार्जिलिंग पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद देखिए आपका अरुणाचल में डाफला, मिरी, अबोर और यहाँ पर जो फोर्थ नंबर पे मिज़मी की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, मिज़मी की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। उसके बाद यहाँ पे पटकाई भूम की पहाड़ियाँ आपकी अवस्थित हैं। उसके बाद नागालैंड में जो है नागा पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, ये जो है नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में अवस्थित हैं। उसके बाद मणिपुर में पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, इसके नीचे दक्षिण में जो है लाइमटोल पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। मिजोरम में आप देखेंगे कि मिजो पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। असम में आप देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके जस्ट नीचे साउथ में बुभान हिल्स और बराल श्रेणियाँ, ये दोनों श्रेणियाँ यहाँ पर अवस्थित हैं। मेघालय में जो 1, 2 और 3 करके नंबरिंग की गई हैं ये क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिनका विस्तार दिल्ली से लेकर गुजरात में है, तथा ये मुख्यतः राजस्थान में अवस्थित हैं। अरावली पहाड़ियों में माउंट आबू एक जगह मिलती है जहाँ पे आपका जैनियों का दिलवाड़ा मंदिर है, जो कि बहुत फेमस जैन मंदिर है। उसके बाद जो है इसके नीचे यहाँ पर सतमाला पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे विंध्यन पहाड़ियों का विस्तार है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विंध्यन पहाड़ियाँ के दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक रिफ्ट वैली जो है बन गई है, और इस रिफ्ट वैली में हम सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी बहती है, रिफ्ट वैली में नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के नीचे ताप्ती नदी का जो है बहती है। उसके बाद आप देखेंगे विंध्यन से अगर आप उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं तो कैमूर की पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी, और उसके बाद मैलान की पहाड़ियाँ हैं। मैलान की पहाड़ियों के बाद ये जो है आपके झारखंड के अंदर राजमहल की पहाड़ियाँ प्राप्त होती हैं, झारखंड के अंदर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, इसकी लोकेशन आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जब आप आ जाते हैं तो रामगढ़ जो हिल्स हैं, रामगढ़ हिल्स ये छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। इसके साथ ही हजारीबाग हिल्स और जो ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ, हजारीबाग और मैलान हिल्स जो आपके हैं, ये तीनों ही पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। देखिए हजारीबाग नाम का पठार भी है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये पठार भी है और हजारीबाग की पहाड़ियाँ भी हैं, ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। उसके बाद जो आपकी मेकाल पहाड़ियाँ हैं ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अवस्थित हैं, मेकाल पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अवस्थित हैं। उसके बाद आप उड़ीसा में देखेंगे तो गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में अवस्थित हैं, गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में अवस्थित हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं इससे थोड़ा दक्षिण में यहाँ पर ये महादेव की पहाड़ियाँ हैं, और उससे भी थोड़ा दक्षिण में ग्वालागढ़ की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इस बात के बाद आप गुजरात में आ जाइए, देखिए गुजरात को दो प्रायद्वीपों में बांटा गया, आप जानते होंगे उत्तर कच्छ प्रायद्वीप और दक्षिण में काठियावाड़ प्रायद्वीप। कच्छ प्रायद्वीप में जो यहाँ पर अवस्थित पहाड़ियाँ इनको कच्छ हिल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो ये पहाड़ियाँ पाई गई हैं इनको आप देखिए मंदेव पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो ये यहाँ अवस्थित पहाड़ियाँ इनको गिर पहाड़ियाँ कहा जाता है, तथा इधर अवस्थित पहाड़ियों गिरनार हिल्स कहा जाता है। ये आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, काठियावाड़ में गिरनार हिल्स और गिर पहाड़ियाँ दोनों ही अवस्थित हैं।
ये देखिए, हम नीचे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो नंबरिंग की गई है वो गारो खासी जयंता क्रमशः इसी सीरीज में है। असम में ब्रह्मपुत्र के नीचे मिकिर और रेगमा, ये दो श्रृंखलाएं और मिलती हैं, इनका आप नाम याद रखिएगा। और मानसून को दिशा देकर उत्तरी मैदान में जो दिशा देने का कार्य है वो हमारी उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ करती हैं। तो ये हमारी उत्तर मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत की जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इसकी हमने मैप में लोकेशन देख ली है। देखिए, जो पर्वत चोटियों की को नंबरिंग यहाँ पर दी गई है उनका नाम नंबरिंग के साथ आपको आगे की स्लाइड्स में मिल जाएगा। अब आगे आप देखिए कि हिमालय के महत्वपूर्ण शिखर हम देख लेते हैं। तो हिमालय की जो सबसे ऊँची चोटी है वह है एवरेस्ट चोटी, उसके बाद है कंचनजंगा चोटी। एवरेस्ट नेपाल में अवस्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में अवस्थित है, तीसरा है मकालू जो कि नेपाल में अवस्थित है, चौथा है धौलागिरी नेपाल में अवस्थित है, उसके बाद नगा पर्वत जो कि जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है, नंदा देवी उत्तराखंड में अवस्थित है और नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। देखिए, अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत की सबसे ऊँची चोटी का नाम बताइए, तो भारत की सबसे ऊँची चोटी आपकी कंचनजंगा पर्वत चोटी है। एवरेस्ट चूँकि नेपाल में अवस्थित है और जो भारत में अवस्थित केटू चोटी है जिसको गॉनविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है, इसलिए इसे भारत का भाग नहीं माना जाता है। इसलिए अगर प्रश्न में कंचनजंगा आपको ऑप्शन दिया गया है तो भारत की सबसे ऊँची चोटी आप कंचनजंगा को ही टिक करेंगे। उसके बाद देखिए, हम देख लेते हैं कि भारत की सबसे ऊंची 10 चोटियों के नाम। सबसे पहली है कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत पर्वत, साल तोरो कंगेरी, सासीर कंगेरी, मोमोस्तोक कंगेरी, सातवें नंबर पे है रीमो, उसके बाद 8 नंबर पे हरदोइल, चाउ काम्बा और त्रिशूल। ये भारत की जो सबसे ऊंची 10 चोटियों के नाम है, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये देखिए आईएएस परीक्षा 1995 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे आपको मैप में नंबरिंग देकर बोला गया है कि नंबरिंग में जो पर्वत श्रेणियाँ उनको क्रमशः बताना है। तो हम देख चुके हैं कि जो अभी हमने ऊपर जो है ये देख लिया है, सबसे ऊपर हमारी काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी, ये तीनों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत और ये लघु हिमालय के अंतर्गत। तो देखिए, आपको पर्वत श्रृंखलाओं के नाम ही नहीं उनका सीक्वेंस याद होना, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये आपको पता होना चाहिए जिससे आप इस प्रकार के प्रश्नों को टैकल करने में सक्षम बन सकें। उसके बाद देखिए, हम दक्षिण भारत की चोटियों को देख लेते हैं। दक्षिण भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं इनको सीरीज में याद रखना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले महाराष्ट्र में देख लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में अजंता श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, अजंता श्रृंखलाओं के पूर्व में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, इनके दक्षिण में जो है बालाघाट पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं और अजंता के दक्षिण में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हरिश्चंद्र रेंज मिलती है। ये आपकी महाराष्ट्र की मुख्यतः पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद आप दक्षिण भारत में अवस्थिति देख लीजिए, ये जो यहाँ पर है ये इर्रामल्ला हिल्स हैं, उसके बाद ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं ये नल्लामल्ला हिल्स हैं, तीसरे नंबर पे ये जो अवस्थिति ये वेलकोंडा हिल्स हैं, उसके बाद ये जो इधर पाई जाने वाली पहाड़ियाँ हैं ये शेषलालाम की पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद ये इसके थोड़ा पूर्व की तरफ पालकोंडा हिल्स हैं। देखिए, अर्रामल्ला से लेके शेषलालाम हिल्स तक की जो पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो सबसे ऊपर है ये जावेदी हिल्स है, उसके दक्षिण में आपकी शेरवादी हिल्स है, उसके दक्षिण में आप देखेंगे तो पंचामलाई की पहाड़ियाँ हैं, उसके दक्षिण में आप देखेंगे तो शिमलाई हिल्स है, और यहाँ पर आप देखेंगे शेवराई हिल्स और पंचमलाई की पहाड़ियों के बीच में पटानी श्रृंखला आपकी अवस्थित है। जावादी श्रृंखला से लेकर, जावादी पहाड़ियों से लेकर पटानी रेंज तक की जो आपकी श्रृंखलाएँ हैं ये तमिलनाडु में अवस्थित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, कर्नाटक में बाबा भूटान की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये लो अयस्क के लिए बहुत फेमस है, कर्नाटक में इनकी अवस्थिति है। उसके बाद आप देखेंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि केरल में पाई जाती हैं। देखिए, जो आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है उसकी नॉट पर अवस्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ से आप देख लीजिए, आपका पश्चिमी घाट और
पूर्वी घाट का जो नॉट बनता है वहाँ पर आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में अन्नामलाई हिल्स है और इसके भी दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। केरल की जो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं वो इलायची के लिए बहुत फेमस है। इसके बाद आप यहाँ पे देख लिए कि अन्नामलाई की पहाड़ियों के पूर्व में जो पालनी की पहाड़ियाँ हैं यानी कि यहाँ पर इनकी अवस्थिति होगी, उनमें कोडाईकनाल हिल स्टेशन की अवस्थिति है। बहुत ही एक तरीके से फेमस हिल स्टेशन है ये। यहाँ पे जो आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं इनमें इनकी जो चोटी है जिसको 10वें नंबर से दिखाया गया है, इस चोटी का नाम है अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाई मुड़ी चोटी है। इसके ऊपर आप देखेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों में, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा इसको आप याद रखेंगे। देखिए नंबरिंग के हिसाब से जो पर्वत चोटियाँ हैं उनका नाम यहाँ पर रख दिया है, केटू नगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, नंदा कोट, गुरु शिखर, कंचनचुंगा, कलसुबाई की चोटी, दोदा बेटा जहाँ पे ऊटी हिल स्टेशन में पाया जाता है, अनाई मुड़ी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है। देखिए इसको आप मैप में एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जब इस वीडियो को आप रिवाइज करें तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ मैप लेकर बैठें। दो तीन बार इस वीडियो को सुनने से जो पर्वत श्रृंखलाओं की अवस्थिति है वो आपके माइंड में छप जाएगी। इसको रिवाइज करते रहने से जो है आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए किस टॉपिक पे आप डिस्कशन चाहते हैं। अधिक से अधिक इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा इस प्रकार की और वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।